हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टॉलीवुड अपडेट्स। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कलर्स टीवी के पॉपुलर सीरियल उड़ारियां के बारे में। तो अब काफ़ी टाइम से ये कलर्स टीवी पे सीरियल चलता आ रहा है। सीज़न वन इसका बहुत ही ज़्यादा बड़ा हिट हुआ था शाम के टाइम स्लॉट पे, बहुत स्ट्रेंथन कर दी थी कलर्स टीवी की शाम के टाइम स्लॉट इस सीरियल ने। उसके बाद जनरेशन लीप आया था, कास्ट चेंज हुई थी और इवन जो सेकेंड वाली कास्ट आई थी अब उनको भी हटाकर थर्ड का हमें जनरेशन लीप देखने को मिला था, यानी कि थर्ड कास्ट हमें सीरियल में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी ताकि सीरियल की कहानी में कुछ फ्रेश आ सके और सीरियल की टीआरपी में कुछ इंप्रूवमेंट आ सके और फैंस का इंटरेस्ट सीरियल में बढ़ जाए। आजकल जनरेशन लीप्स का जो ट्रेंड है वो हद से ज़्यादा बढ़ चुका है हमारे इंडियन टेलीविजन पे, जिसे देखो हर दूसरा सीरियल जनरेशन लीप लेता रहता है और नई जनरेशन के साथ सीरियल को कंटिन्यू करते रहते हैं। एनीवेज बात करें कि ये शो के लिए जनरेशन लीप कैसा रहा, अब तीसरे वाला सक्सेसफुल रहा ये नया एरा सीरियल के लिए या फिर नहीं। तो गाइज टीआरपी की बात जहाँ तक आती है, शो के लिए जो नया लीप है वो सक्सेसफुल नहीं रहा है। ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है वो सीरियल में घट रहा है, भले ही कुछ ऑडियंस ऐसी भी है जिनको सीरियल काफ़ी पसंद आ रहा है, नए कैरेक्टर्स और नई स्टोरी लाइन काफ़ी फ्रेश और बढ़िया लग रही है, लेकिन ओवरऑल जहाँ पर टीआरपी की बात आती है सीरियल 1.0 की ही टीआरपी इस हफ्ते लेकर आया है। हम देख ही सकते हैं कि सीरियल की टीआरपी में सिग्निफिकेंट डिक्रीज हमें देखने को मिल रहा है, ऑडियंस का इंटरेस्ट उतना नहीं बन पा रहा है इस नई कास्ट के साथ और इस नई स्टोरी लाइन के साथ। भले ही मेकर्स पूरी ट्राई कर रहे हों सीरियल की टीआरपी में इंक्रीज लाने को, लेकिन सीरियल की जो टीआरपी है वो गिरती जा रही है। ये वाला रिसेंटली जनरेशन लीव जो इन्होंने लिया है बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं रहा है उड़ारियां सीरियल के लिए, जहां पर 7 बजे की टाइम स्लॉट पे एटलीस्ट 1.5 की टीआरपी तो लेकर आ ही जाया करता था, लेकिन अब सिर्फ 1.0 की ही टीआरपी लेकर आ रहा है और इसकी टीआरपी अब जो सेकंड वाला एरा था उड़ारियां का उससे भी कम हो गई है। पहले जनरेशन लीप में भी टीआरपी गिरी थी लेकिन इतनी नहीं, लेकिन अब 1.0 पर ही आ गई है। तो नया लीप इनके लिए जैसे रिस्पॉन्स ये चाह रहे थे, जैसे रिजल्ट्स ये चाह रहे थे वैसे लेकर नहीं आ पाया है और टीआरपी में इंप्रूवमेंट तो दूर की बात है बल्कि टीआरपी में डिक्रीज देखने को हमें मिल गया है। एक पॉइंट के बाद वैसे मेरा तो यही हिसाब, मेरे ओपिनियन में, कि सीरियल को इतना नहीं खींचना चाहिए। अगर कहानी ख़त्म हो गई उन कैरेक्टर्स की तो सीरियल को फिनिश कर देना चाहिए एक अच्छी एंडिंग के साथ, ताकि फैंस भी उसके साथ संतुष्ट हो जाने चाहिए अगर कहानी की एंडिंग प्रॉपर है। लेकिन ये जनरेशन पे जनरेशन लेकर आए जाना, मैं तो इस चीज़ का ज़्यादा बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये नया जनरेशन लीप इस सीरियल का आपको पसंद आ रहा है या फिर नहीं, या फिर आप पुरानी कास्ट के साथ ही इंजॉय करते थे उड़ारियां सीरियल को देखना। क्या लगता है क्यों सीरियल की टीआरपी घटती जा रही है और कम होती जा रही है कलर्स टीवी पे? तो गाइस सारी अपकमिंग उड़ारियां की आने वाले हफ्तों की भी टीआरपी अपडेट्स पाने के लिए और कलर्स टीवी के सारे सीरियल्स की लेटेस्ट न्यूज़ इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में जो बेल आइकन है यानी कि घंटे का ऑप्शन है उसे दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।